चलिए आगे बढ़ेंगे इस बीच, बड़ी जानकारी, अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि सागर से खबर है, जहां पर अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हादसे में कार सवार तीन युवकों की मौके पर मौत हो गई। बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है, एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अहम जानकारी आपको दे दें, तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच हमारे सहयोगी विष्णु सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, जानकारी यहाँ पर लेना चाहेंगे किस तरीके से ये सड़क हादसा हुआ। सर, बहेरिया थाना क्षेत्र की बात है, रात 2 बजे की। तीन दोस्त जो मकरोनिया है यहाँ पर बटालियन कहलाती है, बटालियन के निवासी बताए जा रहे हैं। एक कार से अपने साथ एक ऐसा निवासी है युवक, उसके साथ ये जा रहे थे, जहाँ किसी अज्ञात वाहन ने, ट्रू वैल्यू कार है यहाँ पर शोरूम, उसके सामने टक्कर मार दी। वाहन अज्ञात है अभी, मौके पर ही तीन युवकों की मौत हो गई है और काफी गमगीन भरा माहौल है यहाँ बटालियन में, जिनका पीएम जिला अस्पताल के पीएम रूम के सामने हो रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हैं। मैं आपको बता दूं, ये ऐसा स्पॉट है जो हमेशा ही यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं और बड़ा ही ब्लैक स्पॉट कहलाता है ये। हमारी अभी एडिशनल एसपी विक्रम सिंह कुशवाहा से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अज्ञात वाहन के खिलाफ रात में ही कार्रवाई हो गई थी लापरवाही पूर्वक चलाने की, और उसकी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। ट्रू वैल्यू जो शोरूम है उसके पास सीसीटीवी लगा हुआ है और बहेरिया जो चौराहा है वहां पर भी, और दमो रोड में एक टोल पड़ता है वहां पर भी सानोदा के पास उसकी तलाश की जा रही है। अभी फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सा वाहन था और कैसे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है जी। और तीनों मौके की बिल्कुल बिल्कुल विष्णु तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि हादसा जो है बेहद दर्दनाक रहा। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।